सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पर फरते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। तो और देखो, एक बड़ा भूइंडोल हुआ। क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाही उज्जवल था। उसके भय से पहलुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे।